Sunil Grover and Kapil Sharma fight is now in trending since last week. And the whole fans and sports lovers are divided between Kapil Sharma and Sunil Grover. जी हाँ, पिछले एक वीक से फ्लाइट में हुए सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच अगली फाइट मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह टॉप ट्रेंड में है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या सही में कपिल अपने ही साथी कलाकार के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है कि कपिल शर्मा का सुनील ग्रोवर और बाकी के मेंबर्स के साथ झगड़े की न्यूज पूरी तरह से फेक है। हालांकि ये महज रूमर्स है और लोग ये कयास लगा रहे हैं कि मे बी ऐसा भी हो सकता है, और इसी तर्ज पर हमने भी कुछ रिसर्च वर्क किए और उससे यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शायद इन वजहों से और इन चार कारणों से ये टेंट्रम प्लान किया गया हो। पहली वजह, एविडेंस। अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स एंड न्यूज, कपिल का सुनील ग्रोवर और बाकी मेंबर्स के साथ झगड़ा हुआ, वो भी इतनी बुरी तरीके से, एयर इंडिया के फ्लाइट में। कपिल काफी देर तक ऊंची आवाज में गालियां देते रहे, सुनील पर जूता फेंका, कॉलर पकड़े, उन पर हाथ तक उठा दिए, लेकिन इस घटना का कोई भी पक्का सबूत यानी वीडियो किसी के पास नहीं। आजकल अमूमन छोटे मोटे झगड़े पर भी लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लग जाते हैं, लेकिन कपिल शर्मा जो एक काफी फेमस चेहरा है ने इतना कुछ बवाल खड़ा किया और किसी ने एक वीडियो तक नहीं बनाई। दूसरी वजह है टीआरपी बटोरना। लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि इस झगड़े की अफवाह महज टीआरपी बटोरने के लिए की गई है, ताकि पूरे देश का ध्यान इन पर आ जाए, लाइम लाइट में हो। इसका असर नो डाउट उनके शो पर तो जरूर पड़ेगा और लोग इनकी केमिस्ट्री को देखना चाहेंगे। अगर कपिल की इतनी बुरी तरीके से झगड़ा हुआ था, किसी के पास इसका सबूत नहीं थे, तो कपिल ने ट्विटर पर अपोलोजाइज्ड क्यों किया, और सुनील ग्रोवर ने भी सोशल मीडिया का ही सहारा लिया। माना अगर सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभाकर ने कपिल के फोन कॉल का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, लेकिन ये लोग काफी सालों से फ्रेंड है, तो कपिल इनसे मिलकर अपोलोजाइज्ड कर सकते थे और आपसी मतभेद मिटा सकते थे। तीसरी वजह है ट्रेंडिंग में आना। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की अगली फाइट की न्यूज इन्हें रातों रात 125 करोड़ की जनता ने टॉप ट्रेंडिंग में ला दिया है, और पिछले एक वीक से कंटिन्यू ये लोग ट्रेंड कर रहे हैं। इससे इन्हें काफी फायदा हुआ और दोनों, खासकर सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा, रातों रात एक तरह से इंडिया में कॉमेडी किंग की तरह उभर कर सामने आए हैं। चौथी और आखिरी वजह, अप्रैल फूल। यह है चौथी वजह जो काफी चौंकाने वाली है। हालांकि ये पूरी तरह से अपने अपने कयासों पर बेस्ड है, कई लोगों का यह मानना है कि ये फाइट सीन बिल्कुल फेक है और ये कपिल शर्मा और उनके टीम मेंबर्स द्वारा जनता को अप्रैल फूल बनाया गया है। आपको बता दें कि अप्रैल फूल जो 1 अप्रैल को होता है कुछ ही दिनों बाद है, और शायद इनकी टीम का यह बिग प्लान हो जिसे बड़े पैमाने पर लोगों को इसका शिकार बनाया जाए। और अगर ये रूमर सही है तो मानना पड़ेगा कपिल और उनकी टीम के इस प्लान को, लेकिन साथ में ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या इसके लिए मीडिया को इस तरीके से यूज करना सही है।